them. And so just the chance to film scenes where there are hundreds of people running down the street trying to escape from Godzilla. I mean, that's definitely, you get to check that off the bucket list. That's pretty awesome. So it was fun. And you know, we were creating a lot of cool Titans and monsters, some new, some old. And so it's fun. I'm excited. मॉन्स्टरवर्स गॉडजिला की लाइव एक्शन सीरीज इसी साल 2023 को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होने वाली है, जिसकी स्टोरी ठीक गॉडजिला 2014 मूवी के बाद की है। ये सीरीज इस साल कब रिलीज होने वाली है, इसका केडीएम ने काफ़ी अच्छा हिंट दिया है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगा। पर सबसे पहले मैं मैट शेकमैन द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहूँगा। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और मैट शेकमैन इसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट करेंगे, बाकी एपिसोड्स को अलग अलग डायरेक्टर्स डायरेक्ट करेंगे। इस टॉपिक पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यदि आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैट शेकमैन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में इस सीरीज़ के बारे एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन दी है। गॉडजिला तो इस सीरीज़ में रहेगा ही, बट मैट शेकमैन के अनुसार कुछ और टाइटन्स भी रहेंगे, जिनमें न्यू और ओल्ड टाइटन्स भी हैं। अब जिस तरह मैट शेकमैन ने इस स्टेटमेंट को कहा है, इससे दो मतलब निकाले जा सकते हैं। न्यू टाइटन्स तो समझ में आता है कि वे बिल्कुल न्यू लेजेंडरी के ओरिजिनल टाइटन्स होंगे। अब ओल्ड का मतलब वे टाइटन्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम गॉडजिला 2014 और गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में देख चुके हैं, और या ओल्ड का मतलब टोहो के टाइटन्स भी हो सकते हैं, जो टोहो मूवीज में तो थे पर अभी तक मॉन्स्टरवर्स में नहीं आए, जैसे गाइगेन, बायोलेंटे एक्सेट्रा। मुझे लगता है कि ओल्ड से उनका मतलब वे टाइटन्स जिन्हें हमने मॉन्स्टर्स में ऑलरेडी देखा है। टाइम विल टेल कि ओल्ड टाइटन्स से शेकमैन का क्या मतलब था। काफ़ी सारे फैंस यही सोच रहे थे कि इस सीरीज़ में गॉडजिला का काफ़ी कम स्क्रीन टाइम होगा, पर केडीएम ने इसे डिनाई किया था। मैट शेकमैन के स्टेटमेंट से ये कन्फर्म होता है कि गॉडजिला का अच्छा खासा स्क्रीन टाइम होगा इस सीरीज़ में। कोलाइडर के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गॉडजिला इस सीरीज़ की स्टोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो एक बड़ा पार्ट प्ले करेगा। यहाँ हम सिर्फ पहले 2 एपिसोड्स की बात कर रहे हैं, यानी पहले 2 एपिसोड्स में ही गॉडजिला और अदर टाइटन्स के सीन्स हमें दिखना शुरू हो जाएंगे, जो काफ़ी अमेजिंग है। अब मैं बात करूँगा इस सीरीज़ की रिलीज डेट और कब हम इसका ट्रेलर देख सकते हैं। केडीएम ने इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन दी है। उसने कहा है कि ये सीरीज़ इसी साल रिलीज होगी, इसके हर एपिसोड्स एवरी वीक रिलीज़ होंगे, यानी ये सीरीज़ 10 वीक्स तक चलेगी। इसका आखिरी एपिसोड जनवरी 2024 को रिलीज़ होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये सीरीज़ अक्टूबर के एंड या फिर नवंबर के स्टार्ट से रिलीज़ होगी। उन्हें लगभग 3 महीने चाहिए इसकी मार्केटिंग के लिए, तो इसका ट्रेलर जुलाई या फिर अगस्त को आएगा। इस साल के एंड में ही हमें गॉडजिला रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है। अक्टूबर या फिर नवंबर में गॉडजिला सीरीज़, नवंबर में लाइव एक्शन टोहो गॉडजिला मूवी, और फाइनली दिसंबर एंड या फिर जनवरी मिड में गॉडजिला एंड कॉन्ग का ट्रेलर। डेफिनेटली ये लोग इस सीरीज़ को ऐसे रिलीज़ करेंगे ताकि गॉडजिला एंड कॉन्ग मूवी की भी हाइप तेज़ हो जाए। मैं आपके ओपिनियंस भी जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार कौन से टाइटन्स इस सीरीज़ में आएंगे गॉडजिला के अलावा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।